हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आई होप सो अच्छे ही होंगे। दोस्तों अगर आप भी अपने फ़ोन से कुछ इस तरह का पोस्टर डिजाइन करना चाहते हैं हिंदू नववर्ष का, तो बहुत ही आराम से कर सकते हैं। इसके लिए दोस्तों आपको इस वीडियो को शुरू से अंत तक बहुत ही अच्छे से देखना है, ताकि आप ऐसे पोस्टर खुद से डिजाइन कर सको। दोस्तों इसका PLP फाइल मैं आपको दे दूंगा। PLP फाइल में पासवर्ड लगा होगा और पासवर्ड आपको इसी वीडियो में दो स्टेप में पासवर्ड देखने को मिलेगा। तो इसीलिए आप वीडियो को शुरू से अंत तक बहुत ही अच्छे से देखिएगा, ताकि आपको PLP फाइल का पासवर्ड मिल जाए और जिप फाइल को आप अनजिप कर सके। दोस्तों ऐसे पोस्टर बनाने के लिए आपको अपने फ़ोन में एक एप्लीकेशन की ज़रूरत पड़ेगी, जिसका नाम है पिक्सल लैब। पिक्सल लैब एप्लीकेशन का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। प्ले स्टोर पर भी आपको बहुत ही ईजी मिल जाएगा। तो चले दोस्तों समय न गवाते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। उससे पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आपसे करना चाहूँगा, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा, ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूँ तो नोटिफिकेशन के द्वारा आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। चले दोस्तों करते हैं यहाँ से वीडियो को कंटिन्यू। अपने फ़ोन में दोस्तों पिक्सल लैब एप्लीकेशन डाउनलोड करने के बाद जैसे ओपन करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। बीच में देखेगा कुछ इस तरह का न्यू टैक्स। सबसे पहले यहाँ से आपको न्यू टैक्स को डिलीट कर देना है। दोस्तों न्यू टैक्स को डिलीट करने के लिए लेफ्ट साइड में ऊपर एक डिलीट का बॉक्स बना हुआ है, इस पर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे तो ये न्यू टैक्स यहाँ से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद मैं जो आपको PLP फाइल दूंगा उसको ओपन करना है। दोस्तों अगर आपको PLP फाइल डाउनलोड करने नहीं आता, ओपन करने नहीं आता और पिक्सल लैब एप्लीकेशन में ऐड करने नहीं आता, तो इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है। उस वीडियो का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिएगा। चलिए यहाँ से मैं अपना PLP फाइल ओपन कर लेता हूँ। PLP फाइल ओपन करने के लिए सिंपली राइट साइड में सबसे ऊपर 3 डॉट पे क्लिक करेंगे, सबसे नीचे से तीसरे नंबर ओपन PLP फाइल पे जाएंगे। जैसे ओपन PLP फाइल पे जाएंगे दोस्तों कुछ इस तरह का इंटरफेस वहाँ आपको देखने को मिल सकता है, अगर आप भी अपने पिक्सल लैब एप्लीकेशन में PLP फाइल ऐड करते हो तो। दोस्तों यहाँ से आपको जिसका पोस्टर या बैनर डिजाइन करना है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। एक बार ओके करके हम कुछ इस तरह से यहाँ पे एक बार बैक आ जाएंगे। तो दोस्तों आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से हमारा PLP फाइल ओपन हो चुका है। दोस्तों अगर आप इसमें कुछ भी एडिट करना चाहते हैं आप अपने हिसाब से, तो बहुत ही ईजिली कर सकते हैं। सबसे पहले दोस्तों आप अपना फोटो PNG लगा सकते हैं, अपना नाम लिख सकते हैं और अपने सोशल मीडिया का यूजर नेम भी दे सकते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आप अपना फोटो PNG कैसे लगाएंगे? आपको अपना फोटो PNG लगाने से पहले जो फोटो PNG इस पे लगा होगा इसको डिलीट करना है। इसको डिलीट करने के लिए कुछ इस तरह से हम फोटो PNG को सिलेक्ट कर लेंगे, लेफ्ट साइड में ऊपर एक डिलीट का बॉक्स बना हुआ है, इस पर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे तो ये फोटो PNG यहाँ से डिलीट हो जाएगा। उसके बाद जो फोटो PNG आप अपना लगाना चाहते हैं उसको सिलेक्ट करने के लिए लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर प्लस के आइकन पे क्लिक करेंगे, सबसे नीचे से दूसरे नंबर फ्रॉम गैलरी में जाएंगे और गैलरी में से अपना फोटो PNG सिलेक्ट कर लेंगे। कुछ इस तरह से दोस्तों हमने अपना फोटो PNG सेलेक्ट कर लिया है। दोस्तों अगर आपको कुछ इस तरह से HD क्वालिटी में फोटो PNG बनाना नहीं आता, तो दोस्तों इसमें मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। दोस्तों वहां से आप कुछ इस तरह से HD में फोटो PNG बनाना सीख सकते हैं। तो चलिए दोस्तों थोड़ा थोड़ा मैं क्रॉप कर लूँगा, थोड़ा सा लेफ्ट से, थोड़ा सा राइट से, कुछ इस तरह से और नीचे से कर देंगे राइट। जैसे राइट करोगे आप भी अपने फोटो PNG को, तो कुछ इस तरह से आपके स्क्रीन पे आ जाएगा। इसको मोटे वाले बिंदु पे टैप करके दोस्तों कुछ इस तरह से हम छोटा कर लेंगे और फोटो PNG पे टैप करके दोस्तों कुछ इस तरह से हम यहाँ ले आएंगे, जहाँ आपको अपना फोटो PNG लगाना है। और यहाँ पे लाने के बाद दोस्तों आप अपने फोटो PNG को आप अपने हिसाब से बहुत ही अच्छे से फिट कर लेंगे, ताकि देखने में कुछ इस तरह से अच्छा लगे। जैसे आपका फोटो PNG दोस्तों फिट हो जाए, उसके बाद नाम चेंज करने के लिए सिंपली आपको नाम वाले ऑप्शन पे जाना है, डबल टैप करके यहाँ से सबको बैक कर देना है और जो भी आपका नाम होगा दोस्तों कुछ इस तरह से यहाँ पे लिख लेंगे। तो मैं यहाँ पे दोस्तों देवा ग्राफिक्स लिख लेता हूँ, सिंपली राइट साइड में सबसे ऊपर ओके कर देंगे तो यहाँ पे आप जो भी अपना नाम लिखते हैं वो देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरह से। अपने हिसाब से दोस्तों उसको लेफ्ट राइट करके एडजस्ट कर लेंगे ना। इसके अलावा अगर आप अपने सोशल मीडिया का कुछ भी यूज़र नेम देना चाहते हैं, जैसे कि फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर, यूट्यूब, तो बहुत ही ईजिली दे सकते हैं। इसको देने के लिए सिंपली आपको सोशल मीडिया के यूज़र नेम पे जाना है, डबल टैप करके यहाँ से सबको बैक कर देना है और जो भी आपके सोशल मीडिया का यूज़र नेम होगा दोस्तों यहाँ पे फिल कर देंगे और राइट साइड में सबसे ऊपर ओके कर देंगे तो यहाँ पे आपको अपने सोशल मीडिया का यूज़र नेम देखने को मिल जाएगा कुछ इस तरह से। दोस्तों कम्प्लीटली हमारा पोस्टर बन के तैयार हो चुका है।
इसको आपको अपने गैलरी में सेव कर लेना है। दोस्तों गैलरी में सेव करने के लिए बीच में सबसे ऊपर एक शेयर का ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह का इंटरफेस ओपन हो जाएगा। दोस्तों ये ऊपर एक आपको दिख रहा होगा PNG, इसको इस पर टैप करेंगे। दोस्तों इसको JPG पे कर लेंगे कुछ इस तरह से और नीचे आएंगे, नीचे आपको दिख रहा होगा दोस्तों डिफ़ॉल्ट पे क्लिक करके सबसे नीचे अल्ट्रा कर लेंगे और यहाँ से कर देंगे सेव टू गैलरी। जैसे सेव टू गैलरी करेंगे तो पोस्टर बन के आपकी गैलरी में सेव हो जाएगा। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ कॉमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।